Hey guys, welcome back to the day one of HST 10 program. आज हम हिट करने वाले हैं chest. As all of you know that HST stands for Hypertrophy Strength and Tempo Training by 10. आज आपको पता चलेगा कि chest को कैसे हम annihilate करते हैं, कैसे training करते हैं. बहुत ही brutal होने वाला है आज का session. और जैसे कि मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि weight selection is very important. आज हम play करेंगे tempo के साथ, rest period के साथ. और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आज आपको दे रहा हूँ, दैट इट विल प्ले विद योर माइंड. HST 10 प्रोटोकॉल आपके दिमाग से खेलेगा, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, नॉट योर मसल्स. राइट, मसल्स कम्स आफ्टर योर ब्रेन. और इसी के साथ साथ आपको अपने पास एक स्टॉप वॉच रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्ट पीरियड को मेजर करने के लिए. और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ गाइज, अगर जन्नत देखनी है तो मरना तो पड़ेगा ही. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स किल द वेट्स. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द वार्म अप हियर. आज हम चेस्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैट या काउ स्ट्रेच से. जिस तरह से आप देख सकते हैं, लोअर बैक, नेक को मोबिलिटी इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे पूरी तरीके से मैट में आप इसको परफॉर्म करेंगे. उसके बाद सुपरमैन, यानी कि लोअर बैक को और ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, वार्म करेंगे लोअर बैक एरियाज, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, अपर बैक, लोअर बैक को और स्ट्रेंथन करने के लिए, मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये मूव कर सकते हैं आप. पुशअप्स यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, नॉर्मल पुशअप्स. आप देख सकते हैं नी पुशअप्स, उसके बाद नॉर्मल पुशअप्स. बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से ये आपको पुशअप्स करने हैं, ताकि आपके जॉइंट्स मोबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो, आपके एल्बो में, रिस्ट में, शोल्डर्स में. नाउ स्कॉर्पियन ट्विस्ट्स, अगेन आपके लोअर बैक मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. बेंच प्रेस लगाते हुए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा ओवरऑल जो बॉडी है वो मोबाइल रहे, स्ट्रांग रहे, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमें ना हो. ओके, नाउ हम इंटरनल रोटेशन से स्टार्ट करेंगे फॉर शोल्डर के लिए. इसमें आपका जो रोटेटर कफ मसल्स हैं इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही ज़रूरी है उनको वार्म करना, स्पेशली प्रेस मूवमेंट्स से पहले. नाउ एक्सटर्नल रोटेशन, अगेन रोटेटर कफ मसल्स को भी ट्रेन कर रहे हैं हम यहाँ पे. साथ ही साथ आपके एंटीरियर हेड भी ट्रेन हो रहा है. यहाँ पे आपका रेयर डेल्ट्स हम इन्वॉल्व कर रहे हैं. अगेन प्रेस मूवमेंट से पहले रेयर डेल्ट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. अगेन रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं आपके शोल्डर मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है ये. वार्म अप कंप्लीट हो गई है, अब हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं. HST 10 के पहले एक्सरसाइज ऑन चेस्ट डे, विच इज द डंबल बेंच प्रेस. अभी डंबल बेंच प्रेस के हमें तीन सेट्स लगाने हैं, थ्री स्ट्रेट सेट्स विद द सेम वेट. उससे पहले हम कुछ वार्म अप सेट्स लेंगे. ऑफ कोर्स अपने वर्किंग सेट में पहुंचने के लिए, जो आपके स्ट्रेट सेट का वर्किंग सेट है, वहां पे आपको पहुंचने के लिए वार्म अप सेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है. जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं 17.5 kg से वार्म अप कर रहा हूँ, इसके कुछ 8 टू 10 रेपिटेशन, देन उसके बाद एक और वार्म अप सेट. तो इस तरीके से आप अपने वर्किंग सेट तक पहुँचेंगे. ध्यान रखिए, इसमें आपको फटीग नहीं करना है अपने मसल को, जस्ट मोबिलिटी इंक्रीज करनी है चेस्ट मसल्स को ट्रेन करने के लिए, और साथ ही साथ माइंड एंड मसल कनेक्शन को बढ़ाना है, जॉइंट्स को एक्टिवेट करना है, ताकि वो हैवी लोड के लिए तैयार हो सके. सो ये मेरा दूसरा वार्म अप सेट है 25 kg से. अगेन इसमें आपको 10 रेपिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, 5-6 रेपिटेशन वुड बी इनफ. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new So this is my third warm up set. 35 kg se main le raha hu. तैयार करने के लिए अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, अपने मसल्स को, कि हैवी लोड के लिए वो रेडी हो जाए. 40 kg इज माय स्ट्रेट सेट, तो 40 kg से मैं जो अपना मेन वर्किंग सेट है वो लूँगा. So everybody remember me and know I am not going to life. Regretfully I'd rather work non-stop, but they call incest. Okay, so warm up sets यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और ये main working set है हमारा पहला. ऐसे हम तीन working set लगाएंगे. कोशिश हमारी ये है कि हम इसमें 10 repetition जाएं. Let's see. आप इस तरीके से स्पॉटर का इसमें सपोर्ट ले सकते हैं, जस्ट वेट को लिफ्ट करने के लिए. So ये हमारा दूसरा वर्किंग सेट है.
गाइज ध्यान रखिए हमेशा कि आप जब भी हैवी लिफ्ट कर रहे हैं 10 रेपिटेशन के लिए, जिस वेट का फॉर्म एंड टेक्निक आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, किसी भी तरह का फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अपने रेपिटेशन रेंज को कंप्लीट करने के लिए आप स्पॉटर की हेल्प ले सकते हैं, अगेन only in the last few repetitions. She got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. एक और चीज, आप इस तरह के बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एल्बो है उसमें आपको थोड़ा और सपोर्ट की जरूरत है। सो ये हमारा लास्ट वर्किंग सेट है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसमें 10 रेपिटेशन लगाएं, लेकिन फटीग आपका मसल हो चुका है अभी, तो रेपिटेशन जो है आपके वो कम निकलेंगे, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपके 7 या 8 रेपिटेशन भी इसमें आते हैं तो भी ये वर्किंग सेट आपका इफेक्टिव रहेगा। इस प्रोटोकॉल की हर एक्सरसाइज में आपको अपनी इंटेंसिटी 100% रखनी है गाइस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि HST10 प्रोटोकॉल वाली एक्सरसाइज में ज़्यादा हमें एफर्ट डालना है, इसकी वजह से आप उससे पहली वाली एक्सरसाइजेज में कम वेट या कम इंटेंसिटी डाल रहे हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा आपको। पुश ऑल द वे। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारी मेन HST10 यानी कि जो सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी, विच इज इंक्लाइंट केबल फ्लाइज। ये जो एक्सरसाइज है हम HST10 के प्रोटोकॉल के तहत लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपका टेम्पो रहेगा 1-1-1-1, यानी कि आपको 1 सेकेंड में ईसेंट्रिक पार्ट यानी कि नेगेटिव को जाना है, उसके बाद आपको 1 सेकेंड के लिए अपने स्ट्रेच पार्ट को होल्ड करना है, उसके बाद आपको 1 सेकेंड लगेगा कॉन्ट्रैक्शन पार्ट में यानी कि पॉजिटिव, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्शन को 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेच पार्ट और कॉन्ट्रैक्शन पार्ट को 1-1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Set khatam hote hi aap apna timer on karenge for 30 seconds aur exactly 30 second ke baad aapko apna next set start karna hai. 1 second ka aapko hold karna hai stretch mein and 1 second ka aapko hold karna hai contraction mein. Guys, ye bahut hi brutal technique hai, tempo related, jisme aapki intensity bahut zyada badh jati hai, sath hi sath aapke jo flaws hain exercises में, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक मसल्स हैं, वो निकल के आते हैं, बिकॉज ये इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द वेट। और किस तरीके से आप अपने स्ट्रेच को कंट्रोल कर रहे हैं, मसल्स को इतना एक्टिवेट कर रहे हैं कि वो स्ट्रेच पोजीशन को कंट्रोल करके रख सके, मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस पोजीशन को होल्ड करके रखने में, तो ये सारी टेक्निक्स आपके मसल को बढ़ाने में हेल्प करेगी। गाइस मेक श्योर कि आप रेस्ट एग्जैक्टली जितना आपको कहा गया है उतना ही लें, एग्जैक्टली 30 seconds, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर आप अपने हिसाब से ज़्यादा रेस्ट लेने की कोशिश करेंगे तो। रही बात इस पूरे टेम्पो रिलेटेड वेरिएशन की, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट से ये मिलता है कि आपका जो मसल एंड माइंड कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है आपके चेस्ट मसल्स में। रात से पहले आपने जितनी भी एक्सरसाइजेस करी होंगी, आज जो आपको एक्टिवेशन आपके चेस्ट में मिलेगा, इट विल बी इनसेन। ट्रस्ट मी, ये जो प्रोटोकॉल है इट्स नेक्स्ट लेवल। आप इसको जब भी फॉलो करें, पूरे 100% फोकस के साथ, 100% माइंड एंड मसल कनेक्शन के साथ ही फॉलो करिए। सेक्शन एंड दे स्टिल डिस्कनेक्टेड cuz देयर माइंड्स बीन इन्फेक्टेड एंड देयर फिल्ड विद ऑब्जेक्शन टू फिल्ड फॉर रिकॉलेक्शन सो वी आर लूजिंग ऑल अटेंशन दे डोंट। इन बिटवीन द सेट्स आपको सिर्फ वाटर सिप करने का मौका मिलेगा, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड लेट्स गेट गोइंग। I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I... जिस तरह से आप देख सकते हैं बेंच का एंगल यहाँ पे, this is not 45 degrees, ये 60 degree के आसपास का एंगल है। आपके अपर जो चेस्ट है यानी कि जो क्लेविकल बोन से आपका क्लेविकुलर हेड निकल रहा है पेक्टोरियल मेजर का, उसको ज़्यादा टारगेट कर रही है। केबल से इस एक्सरसाइज को लगाने में आपको ये बेनिफिट मिलता है यहाँ पे कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कांस्टेंट रहता है, टेंशन बहुत ही कांस्टेंट रहती है आपके केबल में, और इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया जा रहा है HST10 प्रोटोकॉल में फॉर चेस्ट मसल।
taking that crown from you. I ain't worried about you. I ain't even so let me break it all down for you. I ain't never giving up. लास्ट के जो फ्यू सेट्स होंगे आपके, उसमें बहुत ही कंट्रोल आपको लेके आना है। ध्यान रखिए, आप यहाँ पे रेस्ट पॉज प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके मसल पूरी तरीके से फटीग हो गया है और आप एक भी रेपिटेशन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करके रखिए, वहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी मेंटेन करिए अपने मसल्स में, एंड देन स्टार्ट अगेन टू फिनिश योर रेपिटेशन। ध्यान रखिए, 12 रेपिटेशन से आपको एक भी रेपिटेशन कम नहीं निकालना है। मेक श्योर आप अपने रेपिटेशन को टच करें। For this new rock, just let your mind loose from the new stock, drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं इसमें बहुत हैवी वेट उठा सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान दिख रहा है ये, बट ऐसा नहीं है। मेक श्योर कि आप अपने वन रैप मैक्स का 40% से ही स्टार्ट करें अपने पहले वीक में, अदरवाइज आप 12 रेपिटेशन नहीं निकाल पाएंगे और 10 सेट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट सेट। जिस तरह से आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से मसल फटीग है, फिर भी कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम 12 रेपिटेशन निकालें सेम एग्जैक्ट फॉर्म में। आपका दिमाग हमेशा आपसे कहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन को जल्दी कर लो, स्ट्रेच को जल्दी ऊपर लेके आओ, बट नहीं, आपको स्ट्रेच को 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, कॉन्ट्रैक्शन को भी 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, तब जाके आप इसका सही बेनिफिट उठा पाएंगे। एंड अगेन, इन बिटवीन द एक्सरसाइज आप पोजिंग जरूर यहाँ पे कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है मसल एंड माइंड कनेक्शन को इम्प्रूव करने का। इसके बाद हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज में जा रहे हैं, विच इज डिक्लाइन बेंच प्रेस। जिसमें हम ऐसा वेट सेलेक्ट करेंगे जिसके हमारे 10 रेपिटेशन आए फॉर 3 सेट्स, यानी कि ये भी स्ट्रेट सेट ही है, यानी कि एक ही वेट के आपको 3 सेट्स लगाने हैं फॉर सेम रेपिटेशन रेंज। जब भी आप डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हैं तो उसमें आपका रेंज ऑफ मोशन कम रहता है, तो नेगेटिव्स को थोड़ा सा स्लो यहाँ पे किया जा सकता है मसल एंड माइंड कनेक्शन को ज्यादा फील करने के लिए। ध्यान दीजिए, पहले सेट में अगर आपके 10 रेपिटेशन आते हैं और दूसरे सेट में अगर नहीं आते हैं, तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल राइट एज लॉन्ग एज आप अपने मसल को कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक लेके जा रहे हैं, यानी कि आपके टैंक में एक भी रेपिटेशन लगाने की जो एनर्जी है वो नहीं बची है, दैट्स योर इफेक्टिव सेट। डिक्लाइन बेंच प्रेस एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है टू एक्टिवेट योर स्टर्नल कॉस्टल हेड ऑफ योर पेक्टोरियल मेजर, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से सही फॉर्म टेक्निक में करते हैं, तो किसी भी तरह की शोल्डर रिलेटेड इश्यूज आपको नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को शोल्डर इम्पिंजमेंट का इशू इसमें होता है, क्योंकि वो एल्बोज को बहुत ज़्यादा वाइड करके बाहर की ओर फ्लेयर करते हैं। ओके, सो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए अक्रॉस द बेंच पुलओवर्स, जिसमें हम चेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, रेंज ऑफ मोशन बहुत ही छोटा रहेगा इसमें, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, लैट्स एक्टिवेट नहीं करना है, ओनली द चेस्ट पार्ट, राइट? पेक्टोरियल मसल्स को आपको टारगेट करना है, सो आपको कॉन्ट्रैक्शन जो है अपने पैक मसल्स में, चेस्ट मसल्स में, उसको मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन।
lost in my mind, not a fantasy, I'm getting it. With a forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey. And again, इसमें भी हम तीन sets लगाएंगे, 3 straight sets with the same weight. और इसमें repetition range हमारी रहेगी 15 repetition की. Strong, you can't stop the show, so get rocking on. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. Now chest का वर्कआउट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अब हम लगा रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स, और जिसकी शुरुआत हम करेंगे डिक्लाइन बेंच से, और जिसमें हम एक बारबेल ले रहे हैं एक रेजिस्टेंस, ताकि थोड़ी सी एक्सरसाइज को डिफिकल्ट किया जा सके. अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं है वेट के साथ, तो आप विदाउट द वेट भी लगा सकते हैं. इसमें हम अपने एब्स को कंट्रोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कोर मसल्स को, और फील करेंगे पूरी तरीके से. और बेसिकली ये एक सुपर सेट है जो आप बैक टू बैक लगाएंगे. लेग रेजेस भी लगाएंगे इन द सेम बेंच. अगेन इसमें हम अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया को टारगेट कर रहे हैं. सो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये बैक टू बैक. इसके आप 3 सेट्स लगाएंगे, और रेपिटेशन रेंज इसमें रहेगी 15 के आसपास बोथ. इसके बाद हम लगा रहे हैं सीटेड रशियन ट्विस्ट विद बॉल. इसके हम 3 वर्किंग सेट लेंगे, 15 रेपिटेशन, और जो रेस्ट पीरियड रहेगा इसके बीच में वो 40 सेकेंड्स के आसपास रहेगा. यानी कि ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. अगेन इट्स टारगेटिंग योर ओब्लीक मसल, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लीक्स, बोथ साइड्स. बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को करते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपने बैलेंस को मेंटेन करके चलें. हिप्स में जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं, ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. Okay, so हमारा वर्कआउट यहाँ पे फिनिश होता है guys. Now you can relax, chill, meditate, और prepare for the next day's training, which is tomorrow. All right, take care and bye-bye.